दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय पिक्सटून्स एनिमेशन स्टूडियो। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। दिल्ली समेत 6 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में था केंद्र। देश की राजधानी में बुधवार को रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में था। रिएक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 5.5 थी। दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, यूपी, हरियाणा और पंजाब में भी झटके महसूस किए गए। दिल्ली में करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि इसी साल जून में भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कब आया भूकंप? भूकंप बुधवार की रात 8:49 पर आया। इसका केंद्र उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में जमीन से 30 किलोमीटर नीचे था। मौसम विभाग के मुताबिक ये मॉडरेट इंटेंसिटी का भूकंप था। इससे पहले यूरोपियन मेडिटेरियन सिज़मोलॉजिकल सेंटर में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के देहरादून से 121 किलोमीटर दूर पूर्व में था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 थी। कहां कहां आया भूकंप? भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग में था। झटके रुद्रप्रयाग के अलावा देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, रामनगर में झटके महसूस किए गए। यूपी में मेरठ, मथुरा और सहारनपुर में भी झटके महसूस किए गए। चंडीगढ़ में भी झटके महसूस किए गए। क्यों आता है भूकंप? पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही है। जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टेंस बैलेंस के बाद ही भूकंप आता है। धन्यवाद।